you for the welcome. This is so exciting. What a beautiful audience. I have known Sumita and Tanya for a long time, and I am their upline, Diamond. I am sponsored by Double Diamond, Lou, Regan, and Darlene. And I want to introduce and bring on stage new Founders Diamond, the first Founders Diamond from Delhi, Sumit and Tanya Bahadur. Oh, handsome and beautiful couple. I am so proud. They are my children. They really are. And I'm just so proud of Tanya and Sumit Bahadur. They have just persisted and overcome. They have been diamonds from the day they saw the plan. So it has just become a reality, and I am just so, so proud of you. So in behalf of Brett Worldwide and Bill and Peggy Brett, I want to present to Sumit and Tanya Bahadur, new founders, Diamonds. The highest reward for man's and woman's devotion, dedication to excellence is not what one gets from it, but what one he or she becomes through it. Bill Brett, we are proud of your accomplishment, and we love you, Bill and Peggy Brett. Free Enterprise Day Celebration 2010. Congratulations. Wow, it's beautiful. All right. Thank you. Let's settle down now. Mera naam Sumit Bahadur hai. Aur I know. Yes, absolutely. Yes. Okay. Thank you. हम लोग बहुत excited हैं और ये excitement हम लोग लफ्जों में बयान नहीं कर सकते. In fact, आप सब लोगों को एक दिन यहाँ आके ये सब महसूस करना पड़ेगा अपने आप. It is very emotional, और especially जब हमारे upline diamond Mariana Johnson all the way from US आए. बहुत से लोग इनको जानते नहीं होंगे, लेकिन जब Mariana Johnson बिजनेस में आए थे तो ये दो साल के अंदर डायमंड बन गए थे. और वैसे तो रजिस्टर्ड नर्स, आई मीन ट्रेन नर्स हैं, इनकी ट्रेनिंग एज ए नर्स है, लेकिन इनका नाम जो है अमेरिका के बिजनेस वुमेन के हुज़ हू में गिना जाता है. ट्रिमेंडसली बहुत ही हम लोग खुशकिस्मत है कि हम लोगों को ऐसे अपलाइंस मिले. और थोड़ा सा आज की तारीख में मैं थोड़ा सा आई वांट टू यू नो कन्वे लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू द लेडी हु जिन्होंने हमको इस बिजनेस में इन्वॉल्व किया, यूएस में हमारा फॉलोअप किया. उनका नाम था पैट्रिशिया ग्राहम. आज अगर वो नहीं होती तो हम लोग जो है इस बिजनेस में शुरू शुरू में नहीं आते. दूसरे हमारे अपलाइन पैट और बेटी कॉफमन ने हम लोगों को मेंटरशिप भी शुरू में बहुत कुछ सिखाया. मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा. दूसरे मैं धन्यवाद देना चाहूंगा तहे दिल से जिन्होंने हमको माँ की तरह बिजनेस में पाला शुरू में. वी हैव अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड लव इन अ हार्ट फॉर अपलाइन डायमंड Mariana Johnson. जब हम लोग इस बिजनेस में नए नए थे तो वो मोटर होम में हमारे लिए पेस मीटिंग्स करने के लिए आया करते थे हमारे घर, जब हम सिर्फ 10-15 लोगों को इकट्ठा कर पाते थे उनको मिलाने के लिए. तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हर. और उसके ऊपर जो है हम लोग जो है तहे दिल से धन्यवाद देते हैं हमारे अपलाइन डबल डायमंड्स का, लू रिगन एंड डार्लिन. अगर वो नहीं होते तो हम लोग दोस्तों कभी भी इस तरीके से ब्रिट वर्ल्डवाइड सिस्टम में कभी प्लग इन नहीं होते. हमारे हैंगअप्स बहुत थे. हम लोगों की बैकग्राउंड जो है, हम लोग प्रोफेशनल्स हैं. आई एम अ बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम IIT दिल्ली. तानिया जो है उन्होंने भी बैचलर्स किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में. वो अपनी कहानी आपको खुद बताएंगे. हम दोनों बहुत ही हाईली पेड प्रोफेशनल्स थे यूएस में. हमारी मुलाकात अपनी मास्टर्स डिग्री करते हुए हुई थी कॉलेज में. उसके बाद हम लोग दोनों बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेशन के लिए काम कर रहे थे. मैं यूएसए की एक बहुत ही बड़ी कंसल्टिंग फर्म सप्लाई चेन में उनके लिए एक सीनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे था. पैसे से हम लोग दोनों बहुत कंफर्टेबल थे,
लेकिन ये मत समझिएगा कि इतनी सब क्वालिफिकेशंस और एजुकेशन के बाद कि हम लोगों के लिए बिजनेस बहुत ही आसान था, नहीं, हम लोगों के लिए सफर जो था उसमें वही चैलेंजेस आए, इनफैक्ट मैं बोलूंगा ज्यादा चैलेंजेस आए, क्योंकि हमारे हैंगअप्स कुछ ज्यादा थे, पढ़े लिखे लोगों के यू नो हैंगअप्स कुछ ज्यादा होते हैं, हम लोगों की एजुकेशन बहुत ज्यादा हो गई थी, ये हमारे लिए प्रॉब्लम थी। और दूसरे मेरी वाइफ फॉरनर थी, तो जब हम लोग इंडिया आए तो हम दोनों के लिए यूएसए की कंफर्टेबल लाइफ छोड़ के इंडिया में आके बिजनेस बिल्ड करना, लेकिन वो हमारी कहानी से पता लगेगा कि हम लोगों ने एक बार डिसीजन ले लिया एंड वी सॉ द विजन, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा हम लोगों ने। तो हम लोगों की कहानी शुरू होती है मेरी वाइफ से, ये मेरी जिंदगी में सब कुछ है, मैं क्या बोलूं, आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनी वर्ड्स, आई वॉन्ट से थिंग्स लाइक शी इज द पावर बिहाइंड मी, जो कि है वो, आई वॉन्ट से थिंग्स लाइक यू नो ये मेरी जिंदगी में स्ट्रेंथ है, जो कि है मतलब, लेकिन इन सब चीजों से बहुत ऊपर है। और सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन मैं यही दूंगा कि शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज माई बडी, और आज भी मैं ये सोचकर उतना ही एक्साइटेड हो जाता हूँ जितना शुरू में था कि हम लोग जो है अपनी बाकी की जिंदगी जो है साथ साथ बिताने वाले हैं। सो हियर इज माई ब्यूटिफुल ब्राइड, माई क्राउन लेडी, तानिया बहादुर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार सूरत। Anyway, I know all of you excited, and sometimes just this stage is breathtaking. Anyway, I was born and raised in Ukraine, the capital of Ukraine, Kyiv, and I was born in the family of engineers, so as a result, I also decided to become an engineer. इनका जन्म जो है वो कीव में हुआ था, यूक्रेन का कैपिटल है, इनके फैमिली में इंजीनियर्स थे सबके सब, तो इन्होंने भी फैसला किया कि ये भी इंजीनियर बनेंगे। एंड आई वाज लॉट्स ऑफ माय फ्रेंड्स व्हेन आई वाज जॉइन इंजीनियरिंग दे वाज टेलिंग मी दैट यू नो इंजीनियर इज नॉट फॉर लेडीज बट व्हाटएवर यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ ओनली यू नो व्हाट यू कैन हैंडल। And the first year of my engineering, electrical engineering, I was already on the top of the class. But God does not give you anything great unless He challenges you. And you have to accept the challenge and tell God that try me and see how strong I am. So the first year I got the next to Kyiv, there was Chernobyl and has nuclear plant disaster. And I got thyroid cancer, and all the doctors told me that on that point my life is finished, I will never complete my education. जब इन्होंने इंजीनियरिंग का फैसला किया तो बहुत से दोस्तों ने इनको मना किया कि आप इंजीनियरिंग क्यों ले रहे हो, लेकिन जैसी संगत वैसी रंगत, फैमिली में सब लोग इंजीनियर थे तो इन्होंने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। और उसके बाद कहते हैं ना कि भगवान कभी भी कोई भी चीज जो है वो आसानी से नहीं देते हैं, तो उनको लाइफ में काफी चैलेंजेस बहुत जल्दी आए। जब ये अपनी कॉलेज में थी फर्स्ट ईयर में, तो उनके कॉलेज के पास एक जगह बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट था, वहां डिजास्टर हुआ और वहां पर इनको थायराइड कैंसर हो गया उस रेडिएशन की वजह से, और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि अब जो है आपकी लाइफ जो है वो यहाँ खत्म हो गई है। ये 19 साल की थी उस वक्त, और उनको ये कह दिया था कि आप आगे की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर सकते और आपके लिए फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत बहुत मुश्किल है। And you see, God not only give you the challenge, but He knows that you can handle it. Because He gave you the powers which He has, the same powers He created, you know, by His own image. लेकिन भगवान जो है वो आदमी को उतनी ही दिक्कतें देते हैं जितना कि उनको पता है कि इस पर बर्दाश्त करने की ताकत है, क्योंकि absolutely, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि भगवान ने मनुष्य को अपनी ही इमेज, अपनी ही तस्वीर में बनाया है, तो हमें भी वही ताकत है जो भगवान में एक तरीके से है, हम चाहें तो वो सब दिक्कतें जो है उनको पार पा सकते हैं। And you see, every time when you face the challenge, your challenge has two sides, which you can make you sad or you can make you see. If one door closes, what other doors open for you? और हर दिक्कत का लाइफ में एक पर्पस होता है, और जब कोई दिक्कत आती है, तकलीफ आती है, तो भगवान एक दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन उस वक्त आपको ढूंढना होता है कि भगवान ने और कौन कौन से दरवाजे हमारे लिए खोले हुए हैं। एंड आई स्टार्ट डूइंग पॉजिटिव अफर्मेशंस
And in 3 months, I restore myself and I went back to university. I complete my university with honor, but in spite of all the health challenges, I also got a scholarship to go to the United States for the higher studies. Only 3 students from the university went there. तो 3 महीने में उन्होंने इस भयानक बीमारी से सर्जरी के बाद रिकवरी ले ली और उसके बाद उन्होंने डॉक्टर्स की सलाह के अगेंस्ट खिलाफ जाकर उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज दोबारा ज्वाइन कर लिया। उन्होंने अगले 4 साल अच्छे से पढ़ाई करी, दिक्कतों के साथ, फिजिकल चैलेंजेस के साथ ये अपनी क्लास में फिर भी टॉप पे बनी रही और ग्रेजुएट करने के बाद इनको एक स्कॉलरशिप मिली यूएसए आके अपनी आगे की पढ़ाई खत्म करने की और ये सिर्फ 3 स्टूडेंट्स में से एक थी जिनको वो स्कॉलरशिप मिली थी वहां पर। And when I came to United States, I was supposed to do a PhD. I didn't find the topic. I changed my major and I decided to join computer science. And this is how we met each other. और यूएस में आने के बाद इनका इरादा था पीएचडी करने का, लेकिन इनको मनचाहा टॉपिक नहीं मिला इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो इन्होंने एक और डिग्री मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस लेने के लिए कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। वहां मैं मिल गया और हम दोनों की वहीं पर मुलाकात हुई। और हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अगर इनकी लाइफ में वो सब कष्ट नहीं आए होते और इनकी लाइफ का रुख नहीं बदला होता तो शायद कभी भी ये यूएसए नहीं आती, और अगर यूएसए नहीं आती तो वहां पर हमारा एक चांस मिलने का वो चला जाता और हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलते फिर उसके बाद। तो ये सब भगवान की प्लानिंग थी किस तरीके से उन्होंने हमारे रास्ते को बदला। And when we graduated, then we got engaged and also we got jobs. Dumit got job in Texas, I got job in Oregon and we start pursuing our careers. ग्रेजुएट करने के बाद इन्होंने जॉब ली ऑरेगन में, मैंने जॉब ली टेक्सास में। हम दोनों मल्टीनेशनल्स के लिए काम करने लगे और हमारा कॉर्पोरेट करियर जो था वो शुरू हो गया। And we got engaged. ओ यस, वहां पर हमारी एंगेजमेंट भी हुई, सबसे इम्पोर्टेंट। हमारी भी काफी लंबी एंगेजमेंट हो गई थी, 3 साल लंबी एंगेजमेंट तो नहीं थी लेकिन 1 साल लंबी एंगेजमेंट थी। एंड व्हेन आई वाज डूइंग माय जॉब, यू नो, यू सी, गॉड ऑलवेज हैव अ प्लान फॉर यू, यू सी। एंड वन ऑफ द डेज, यू नो, वन ऑफ माय कोवर्कर्स इनवाइटेड मी फॉर द पार्टी and I joined him and his wife, and then in the middle they had to leave for some meeting and I decided I want to join them for that meeting also, and it was the first Makarian plan I seen. और भगवान का यहाँ भी एक प्लान था। एक दिन इनके एक कोवर्कर थे, उन्होंने उनको एक पार्टी में इनवाइट किया, वो पार्टी में वहां गई और पार्टी के बीच में से उन्हें कहीं जाना था, ये इनके साथ वहां किसी और जगह पे गई और वहां पर एक जगह मीटिंग हो रही थी, बिजनेस मीटिंग किसी के घर पे, जहां पर फर्स्ट टाइम इनको ये मार्केटिंग प्लान, बिजनेस प्लान देखने को मिला। सो आई वाज नेवर बीन प्रोस्पेक्टेड। तो हमें आज तक कभी किसी ने एक्चुअली फॉर्मली इस बिजनेस के लिए कभी प्रोस्पेक्ट नहीं किया, वो अकस्मात किसी के साथ थे तो बस हम लोग चले गए उस मीटिंग में, वरना एक्चुअली किसी ने कभी बुलाया नहीं हम लोगों को बिजनेस देखने के लिए। एंड देन व्हेन आई जॉइन्ड द बिजनेस, आई आल्सो मेड माय स्पॉन्सर टू जॉइन द बिजनेस बिकॉज़ ही हैड टू स्पॉन्सर मी। और जब इन्होंने प्लान देखा और बाद में बिजनेस ज्वाइन करने का डिसीजन लिया तो इन्होंने रिवर्स में अपने स्पॉन्सर को कन्विंस किया कि तुम ज्वाइन करो, मेरे स्पॉन्सर बनो। तो हम लोगों ने अपने स्पॉन्सर को भी स्पॉन्सर किया इस बिजनेस में। So in my life, everything was kind of like for us, everything was opposite. We had to do everything by ourselves. हमारे लिए लाइफ में हर चीज बड़ी रिवर्स में हुई और हम लोगों ने हर चीज में खुद ही अपने आप लीड लेके हर चीज को किया। And when I joined the business because of the products and I really liked the products. And the first months I achieved 6% because I purchased the products. और इन्होंने, इनको प्रोडक्ट शुरू में बहुत पसंद आए और इन्होंने प्रोडक्ट्स यूज करने शुरू कर दिए, इनकी हेल्थ इंप्रूव करी और पहले महीने सिर्फ अपने यूज के लिए प्रोडक्ट्स खरीदते खरीदते इन्होंने 6% का लेवल अचीव कर लिया। एंड द ऑर्डिनरी रीजन फॉर दैट बिकॉज आई अटेंडेड एवरी सिंगल प्रोडक्ट ट्रेनिंग। और उसकी वजह क्या थी कि इन्होंने सारी मीटिंग्स अटेंड करी थी, प्रोडक्ट ट्रेनिंग मीटिंग्स अटेंड करी थी। And the second month I went 9% because whatever product I purchased, I got so much excited that I sold some products to my neighbors. और दूसरे महीने 9% गई because उन्होंने जो product खुद इस्तेमाल करे थे उससे उनको इतना अच्छा results मिला कि उन्होंने अपने neighbors में लोगों से बात करनी शुरू करी और वहां भी इनके product retail हो गए।
The turning point in my life was when I attended the third month. We had a big function, summer conference. And together with Sumit, we went there and I saw the vision and I realized that I have to talk to other people, not just using the products. I have to share the product and share opportunity with other people. And I start talking to people, and since we both are foreigners, we did not have any money. इस बिजनेस का विजन इनको तब मिला जब तीसरे महीने में एक बहुत बड़ी समर कॉन्फ्रेंस थी वहां पर, वो हम लोगों ने अटेंड करी और वहां पर इनको समझ में आया कि सिर्फ प्रोडक्ट रिटेल करने से बिजनेस बिल्ड नहीं होगा, इसमें प्रोडक्ट्स के साथ साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करना बहुत जरूरी है. फिर वहां से वापस आने के बाद इन्होंने अपने खुद से प्लान दिखाने शुरू करे. And I listening to the CDs every time when I used to enter the car, I always my CD, my car starts and CD starts. इन्होंने अपने कार में सीडी रखनी शुरू कर दी और सीडीज लगा के रख दी. जब भी कार में आप घुसो और कार ऑन करो, ऑटोमेटिकली सीडी चालू हो जाती थी. कार बंद करो, सीडी बंद. And I was so excited sharing the opportunity with other people. The third month I went 15% with full-time job. और थर्ड मंथ में इनको इतना मजा आ रहा था वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी लोगों के साथ शेयर करके कि ये मैक्सिमम से मैक्सिमम प्लान्स दिखाई जा रही थी और तीसरे महीने ये 15% क्वालिफाई कर गए. And the first month I saw one person on the stage recognizing and 21% who just joined the business 2 months before. And I thought I also can, you know, become 21%. And I decided this month I'm going 21%. और चौथे महीने में इन्होंने कोई फंक्शन अटेंड किया जहां पर इनको स्टेज पे कोई और लड़का सिल्वर रिकॉग्नाइज होता हुआ दिखाई दिया जिसने इनसे सिर्फ 2 महीने पहले बिजनेस शुरू किया था. तो उसको देख के इनको ऐसा गुस्सा आया कि अगर ये 2 महीने पहले ज्वाइन करके सिल्वर जा सकता है तो मैं क्यों नहीं. तो उन्होंने अपने चौथे महीने में डिसीजन ले लिया कि मुझे इस महीने सिल्वर जाना ही है. You see, you have to always believe in yourself because unless you try, unless you challenge yourself, you will never know what you are capable of. Yes, very true. आपको इस बिजनेस में ना खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा और डिसीजन लेना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा. क्योंकि जब तक आप खुद को चैलेंज नहीं करोगे, खुद को चुनौती नहीं दोगे, तब तक आपको पता नहीं लग पाएगा कि आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी क्षमताएं क्या है. इफ इट्स टू बी, इट्स अप टू मी. अगर ये होगा तो मेरी वजह से होगा, करना है तो मुझे करना है. एंड दैट मंथ आई वेंट 21% बिकॉज आई शोड सो मेनी मार्केटिंग प्लान्स दैट आई कैन स्पॉन्सर 40 पीपल. और चौथे महीने ये सिल्वर क्वालिफाई कर गई 21% पे क्योंकि उन्होंने इतने सारे प्लान दिखाए ग्रुप में सब जगह पे कि इन्होंने 40 नए लोगों को ज्वाइन किया अपने बलबूते. And I had full time job. और ये सब उन्होंने फुल टाइम जॉब के साथ साथ किया. On Saturday and Sunday, I used to show the marketing plan and used to fit about 7 to 8 marketing plans in one day. ये अपने दिन में टाइम निकालती थी फोन कॉल्स करने के लिए. शाम को प्लान होते थे जॉब के बाद और सैटरडे संडे को कभी कभी दिन में 7-8 प्रेजेंटेशन हो जाया करती थी. After 6 months, I qualified platinum. सिल्वर क्वालिफाई करने के 6 महीने बाद ये प्लैटिनम क्वालिफाई हो गए. 8 months later, I resigned from my job and moved to Texas. और प्लैटिनम हो जाने के 8 महीने बाद इन्होंने अप्लाइंग काउंसलिंग से अपनी नौकरी छोड़ दी और इन्होंने अपना घर जो है वो अपार्टमेंट जो है ट्रांसफर कर लिया और ये मेरे पास आ गई टेक्सास में. क्योंकि तब तक हम लोग अलग अलग रह रहे थे जॉब की वजह से और वहां से हम दोनों की कहानी शुरू हुई साथ साथ वाली. And you see, the only thing I realized, this is the only business that husband and wife can really enjoy building the business. But husband always involved in his career, with his job and everything. And the lady has to step out and do something to create platform for the husband. Because if she wants to become emerald, she has to involve her husband, her spouse. यहाँ पर इन्होंने यही बात ऑब्जर्व करी थी कि ये बिजनेस जो है यही एक बिजनेस है जिससे हस्बैंड और वाइफ साथ साथ मिलकर एंजॉय कर सकते हैं. लेकिन हस्बैंड कभी कभी अपने करियर में बिजी होते हैं तो इसलिए वाइफ को आगे बढ़ के घर से बाहर निकल के एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा ताकि वो कुछ फाउंडेशन तैयार कर दे और हस्बैंड जो है उस फाउंडेशन को फिर वहां से आगे लेके जा सकते हैं बिजनेस में और इन्वॉल्व होंगे. लेकिन इस बिजनेस में ये रियलाइज हो गया इनको कि प्लैटिनम तक तो सिंगल जाया जा सकता है बिना हस्बैंड के, लेकिन आगे एमरल्ड डायमंड जाने के लिए साथ साथ मिलकर काम करना पड़ता है. तो दोस्तों, यहां पर आपने देखा कि हमारे बिजनेस की शुरुआत जो है वो इनके द्वारा हुई और अगर ये नहीं होती तो हमारा बिजनेस जो है कभी टेक ऑफ नहीं कर पाता क्योंकि मैं बहुत बिजी था
और मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये जो बहादुर सरनेम है ना, ये बहादुर सरनेम मेरे को तो विरासत में मिला है, लेकिन इन्होंने अर्न किया है, इन्होंने वाकई कमाया है उसको, यू नो सीरियसली। क्योंकि मेरा क्या था कि मैं एक कायस्थों की फैमिली में मेरा जन्म हुआ था, मम्मी जो थी वो स्कूल टीचर थी और अभी वो लेखिका है, और फादर जो है सर्विस करते थे, और हमारा सारा का सारा ध्यान बिल्कुल पढ़ाई पे लगा दिया गया था। और मैं और मेरी मतलब मैं और मेरे जितने भी भाई बहन थे, हम सब लोग बचपन से मतलब पढ़ते लिखते रहते थे। और बचपन में हम लोग जब स्कूल में थे तो मुझे याद है कि मुझे नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप मिली, जूनियर साइंस टैलेंट स्कॉलरशिप मिली, और मैं पढ़ने में अच्छा था, मुझे शाबाशी मिलती थी, तो मुझे वो अप्रिसिएशन चाहिए था, रिकग्निशन चाहिए था, तो मैं और ज्यादा पढ़ता था, और ज्यादा परफॉर्म करता था। ट्वेल्थ जब आया तो लोग, मेरे बड़े ब्रदर ने बता दिया कि यार तुम इंजीनियर बनोगे और आईआईटी जो है बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है। मैं आईआईटी के एग्जाम के पीछे हाथ धो के पड़ गया। मेरे को लोगों ने बताया कि ये एग्जाम बहुत मुश्किल है, बहुत से लोग नहीं इसको क्लियर कर पाते, तो मैंने बताया कि जो चीज मुश्किल है वो मेरे को अच्छी लगती है, क्योंकि अगर आप वही करोगे जो सब लोग करते तो आपको वही मिलेगा जो सब लोगों को मिलता है, कॉमन सी बात है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि इस एग्जाम में बहुत कम लोग पास होते हैं। मैंने एग्जाम दिया, पूरी जी जान से पढ़ाई करी, उसके बाद मैं टॉप 100 में क्वालिफाई हुआ है। आई वेंट टू आईआईटी, वहां से मैंने अपना बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में, स्कॉलरशिप मिली, मैं यूएस चला गया। मतलब जब तक मैं यूएस पहुंचा तब तक मेरी सारी लाइफ जो थी वो एक प्रकार से मतलब बहुत ही सिक्लूडेड शेल्टर्ड थी। अपना कुछ भी मुझे कुछ करना नहीं पड़ता था, सब कुछ पेरेंट्स करके देते थे, मतलब आपको देते थे। उस वक्त जो था जब मैं आईआईटी गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि अब जो है आगे की तरफ मेरे को लाइफ में क्या रुख लेना है, दैट हैज टू बी डिसाइडेड बाय मी। तो यूएस में इसलिए गया बिकॉज मुझे लगा कि वहां पर जाके हम लोग जो है नाम कमाएंगे, विल मेक लॉट ऑफ मनी। लेकिन वहां जाने के बाद यूएस में जब हम लोगों ने अपनी जॉब शुरू करी तो मेरे को रियलाइज हुआ कि जॉब जो है वहां पर वो सेटिस्फैक्शन नहीं है। हम दोनों के दोनों जॉब में बहुत बिजी थे, हमारा अर्निंग बहुत अच्छा था, बट समहाउ मेरे को कंपनी ने स्टॉक ऑप्शन दे दिए थे, बट समहाउ आई वॉज फाइंडिंग माई सेल्फ, मैं जॉब से उकता गया था वहां पर, बिकॉज मेरे को हर छोटी सी छोटी चीज के लिए उनके पास जाके लिटरली गिड़गड़ाना पड़ता था। I had to go and plead my case कि मेरे को 2 हफ्ते की वेकेशन चाहिए। I had to literally plead my case कि अगर मुझे कुछ घर में टाइम होता था तो मतलब कुछ जमाना पड़ता था वहां पर हर चीज। यू आर ऑलवेज ऑन द स्पॉटलाइट, यू नो, बिकॉज आई वॉज डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन द जॉब। तो धीमे धीमे क्या हुआ कि मेरा जॉब से मन उकता गया, तो फिर मैंने MBA करने की सोची और वहां पर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में अप्लाई कर दिया। वहां मुझे MBA मिल गया, एडमिशन मिल गया। लेकिन मजे की बात क्या थी कि जब मेरा MBA वहां हो गया और जब मैं वहां पर गया ज्वाइन करके क्लासेस, तो एज लक वुड हैव इट शुरू में ही मेरी एक क्लास में आंख लग गई और मैं सो गया। एंड देन आई केम आउट रियलाइजिंग कि यार मैंने अगर MBA में ज्वाइन करा और यहां पर $70,000 एक साल की फीस पे कर रहा हूं और मुझे क्लास में नींद आ रही है, इसका मतलब है इट्स अ साइन फ्रॉम गॉड, यू नो। तो आई रियलाइज कि आई हैव टू डू समथिंग एल्स। तो मैंने वहां पर उनसे कुछ बहाना मार के आई सेड कि यू नो आई विल पोस्टपोन माय दिस थिंग MBA। उन्होंने मुझे 2 साल का टाइम दिया कि यू कैन ऑलवेज कम बैक। इस बीच क्या हुआ कि हमारे लाइफ में ये बिजनेस आया। नाउ यू सी व्हाट हैपेंस इज दिस कि भगवान जो है ना, कभी भी आपको कोई भी चीज जो है वो पूरे मतलब चमत्कार के साथ या पूरे बैंड बाजे के साथ नहीं देते। तो जब ये बिजनेस हमारी लाइफ में आया तो आई ऑलमोस्ट इग्नोर्ड इट। मुझे लगा कि ये बिजनेस जो है वो हमारे स्टैंडर्ड की चीज नहीं है, तो मुझे शुरू में ऐसा लगा। लेकिन थैंक गुडनेस कि मुझे कोई ऐसे फंक्शन में लेके आ गया, जब हम समर कॉन्फ्रेंस में वहां गए तो जो वहां जाके मैंने देखा कि लोग जो है इतने बड़े बड़े, यू नो, समबडी इज अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट, यू नो, एंड ही इज बिल्डिंग दिस बिजनेस। वहां पर एक व्यक्ति मिले मेरे को जो ही वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मोटोरोला कॉर्पोरेशन। मुझे वहां पर एक व्यक्ति मिले जो 2 बार नोबेल प्राइज मतलब के लिए नॉमिनेट हो चुके थे मेडिसिन में। आई मेट वेरी वेरी क्वालिफाइड पीपल। तो वहां पर जाके मुझे समझ में आया कि ये बिजनेस जो है इट इज रियल एंड वी कैन गो हेड एंड डू इट। बट प्रॉब्लम क्या था कि मेरी जो प्रोफेशनल ईगो थी वो आड़े आ रही थी। तो उस वक्त मैंने क्या करना शुरू किया कि मैंने बेसिकली टेप्स का और मीटिंग्स का सहारा लिया। जब तानिया मेरे साथ टेक्सास में वापस मूव होके आई, उस वक्त तक ऑलरेडी हम लोग प्लैटिनम हो चुके थे, लेकिन उस प्लैटिनमशिप में मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं था। उसके आगे हम लोगों ने साथ साथ मिलकर काम किया, मेरी पर्सनल ग्रोथ हुई। और उसके बाद जब इंडिया में बिजनेस शुरू हुआ तो हम लोग जो थे इंडिया आए थे बिकॉज हमारे अपलाइन जो थे ल्यूरिगन जी, उनको यहां पर मार्केट ओपनिंग के टाइम पे बुलाया गया था, तो उन्होंने अपनी बजाय मुझे यहां भेज दिया। और जब मैं यहां आया और मैंने देखा कि क्या पोटेंशियल है, उसके बाद तुरंत मैंने अपनी कंपनी से 1 साल का सबैटिकल मांगा। आई टुक अ चांस एंड आई डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। और इंडिया में जब हम लोग शुरू में आए यहां पर,
तो इंडिया में कोई भी आदमी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं था। सबको ऐसा लगा कि ये दोनों के दोनों यूएसए में कुछ गड़बड़ काम करके भाग के आ गए हैं वहां से, इनका पासपोर्ट वगैरह वहां जब्त कर लिया होगा किसी ने, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आप इतनी पढ़ाई करने के बाद इतनी अच्छी लाइफस्टाइल, हमारे पूरे खानदान में हमारा एग्जाम्पल दिया जाता था कि देखो आईआईटी पढ़ के कितना अच्छा कर रहे हैं, एंड सडनली दिस डिसाइड सॉ कि हम लोग सब कुछ चक करके छोड़ के यहां आ रहे हैं, दैट टू फॉर दिस बिजनेस, तो लोगों को समझ में नहीं आया था। तो हम लोगों ने क्या किया कि बेसिकली हमारा विजन बहुत क्लियर था। दोस्तों ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो एमवे कॉरपोरेशन जो है अपने प्लान में लेके नहीं आ सकती, लेकिन ये सब जो है आपको पहले, इस सब का आपको विजन पहले क्लियर करना पड़ेगा। हमारे को इस बिजनेस में काफी दिक्कतें आई इंडिया में, जब हम लोग इंडिया में आए तो हमारी लेग्स जो थी कैसे खड़ी हुई आपको तो मतलब बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी। यू नो यूएस में मुझे अभी तक याद है कि हमारी एक लेग्स तो ऐसे खड़ी हुई कि हमारा एक व्यक्ति से मुलाकात हो गई, वो अलाहाबाद के थे, उनकी जो बेटी थी उसकी शादी हुई थी नई नई यूएसए में, वो उसको यूएसए लेके आए थे, बिटिया बहुत यंग थी, उसको इंग्लिश बोली नहीं आती थी, उनको लगा कि मैं कायस्थ हूं, मैं भी पेरेंट्स भी मेरे उस एरिया से हैं लखनऊ साइड से, उनको लगा कि शायद ये मेरी बच्ची को थोड़ा सा देख लेंगे, तो उन्होंने इसलिए उस बच्ची को बिजनेस ज्वाइन करवा दिया कि बिजनेस के बहाने जो है ये इसकी देखभाल करते रहेंगे, और वो वापस चले गए इंडिया। वो लड़की जो थी कुछ नहीं करती थी, सारे टाइम लंगड़ी टांग खेलती थी और मुझे अंकल अंकल करके बुलाती थी, जबकि मैंने उसको बहुत मना किया हुआ था कि अंकल मत बोलो मुझे को, यू नो। और वो बहुत छोटी सी थी, शी डिड नॉट नो एनीथिंग, उसको हमने पता नहीं कैसे करके बिजनेस समझाया, और वो बिजनेस के बारे में लोगों को ऐसी बता देती थी कि एक कार्ड मिलता है, आपके बच्चे होते हैं, बच्चों के बच्चे होते हैं, सबको कार्ड मिलता है, सबको डिस्काउंट मिलता है, लोग कंफ्यूज ज्यादा होते थे उसका प्लान सुन के, यू नो प्लान था भी नहीं। एक बार उसने क्या किया कि किसी लॉन्ड्री मशीन, लॉन्ड्रोमैट में जाके जहां कपड़े धोने का मशीन लगा होता है वहां पर एक लेडी को प्रोस्पेक्ट कर दिया। उस लेडी को भी उसने ये सब बच्चों का कार्ड वार्ड का प्लान व्लान दिखा के उसने उसको कंफ्यूज कर दिया। फिर बाद में उसको बोला कि आप जो है मेरे एक हमारे अंकल जी हैं उनसे मिलिएगा, तो उसको लगा कोई बहुत ही बूढ़ा और यू नो अधेड़ उम्र का व्यक्ति होगा, तो वो हमसे मिली। और वो लेडी जो थी वो खुद भी बहुत बीमार रहती थी, उनको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, एंड शी वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट फेज इन लाइफ। उनसे हमने फ्रेंडशिप करी, ताने ने उनकी हेल्थ अच्छी कर दी, और वो लेडी जो थी हमने उनके साथ दोस्ती बिल्ड करी, हम उनको यूएस में एफईडी लेके आए, और वो लेडी का नाम था सुधा कपूर, और आज उनके थ्रू जो है बहुत ही बड़ा हमारा बिजनेस बिल्ड हो गया, बहुत सारे डायमंड्स हैं उस लेग में, ईडीसीज भी हैं। उसके बाद हमारी एक लेग जो ऐसे खड़ी हुई, इसका तो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग सा था। मैं मुंबई में एक एमवे का ऑफिस खुला था जब 1998 में प्रभा देवी के पास कहीं कोई सेंचुरी बिल्डिंग थी, सेंचुरी बाजार, तो मैं वहां खड़ा हुआ था, बाहर निकल रहा था और एक आदमी पास में था, उसकी डायरी गिर गई थी, तो मैं डायरी उठा के दी, तो उसने मेरे को स्माइल किया, तो मैंने भी स्माइल किया, उसकी स्माइल मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा क्या करते हो, तो उसने बताया कि ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये बिल्डिंग मैंने एक किराए पे दी थी, वो ब्रोकर था, वो यू नो रेंट पे उसने बिल्डिंग दिलवाई थी एमवे कॉर्पोरेशन को। तो मैंने हाथ मिलाया, उसने बोला आप क्या करते हैं, मैंने बोला कि मैं इसी कंपनी के साथ काम करता हूं, तो उसने बोला क्या है इनके प्रोडक्ट्स, तो अंदर जाके देखे लेकिन क्या करते हैं, बिजनेस कैसे होता है। मैंने उसको बैठ के प्लान दिखाया, उसके दिमाग में वो घूम रहा था चिटफंड टाइप का। मैंने उसको बताया कि यार ये चिटफंड नहीं है, दिस इज अ डिफरेंट बिजनेस, फ्रेंचाइजिंग के बारे में सुना है ये वो कुछ, हाँ बोला। एनीवे ही जॉइन द बिजनेस। उसके बाद उसने मुझे बहुत भगाया 3-4 महीने यहां वहां, और उसके बाद उसने मुझे एक आदमी से मिलवाया, उसने बताया कि इस आदमी के पास बहुत सारे एजेंसीज हैं गुजरात में, आप इसको पकड़ लो, ये बहुत ही मोटा आदमी है, यू नो। मैं उस आदमी के पास गया, उसको कम से कम 4-5 महीने बिटवीन दिल्ली एंड अहमदाबाद और मुंबई, उसको खूब मीटिंग वीटिंग करी, फाइनली उसको मैंने थोड़ा सा सेट किया, और उसके बाद उसने अहमदाबाद बुला के मेरे साथ बहुत सारी मीटिंग्स करवाई, कम से कम 200 लोग हम मिले थे, 20-20-20 के लोगों के बैचेस में ओवर 2 डेज, और उन 200 लोगों को हम लोगों ने प्लान दिखाया होगा 2 दिन में, और उनमें से एक व्यक्ति जो थे वो बिजनेस में आ गए और टिक गए, उनका नाम था नवीन भावना पटेल, और आगे की स्टोरी आपको पता ही है, उस लेग में आज जो है एमरल्ड्स हैं, डायमंड्स हैं। उसके बाद एक ग्रुप जो था हमारा ऐसे खड़ा हुआ जहां पर मतलब इट इज सो इंटरेस्टिंग, यू नो, मैं किसी 5-स्टार होटल में था और वहां पर मैं मेन्स रूम में था, मेन्स रूम में क्या करते हैं हम लोग खड़े रहते हैं, यू नो, और बगल में कोई आदमी था वो भी खड़ा हुआ था, हम लोगों ने वही कहते हैं नजरों से नजरें मिली, एंड ही स्माइल एट मी, आई स्माइल एट हिम, एंड लेटर ऑन व्हेन वी वॉशिंग आवर हैंड्स आई आस्क्ड हिम कि आप
क्या करते हो? कहता है कि मैं यहाँ पर एक मॉडलिंग का कुछ इंटरव्यू है वो देने आया हूँ, आप क्या करते हो? मैंने बताया कि मेरा तो बिजनेस है। क्या बिजनेस है? बैठ के बताया। उसने भी देख के बोला मुझे कि ये चिट फंड स्कीम है। मैंने बोला चिट फंड नहीं है यार, ये दिस इज समथिंग डिफरेंट बिजनेस, इट्स अ फ्रेंचाइजिंग बिजनेस, ये वो। खैर, ही अंडरस्टूड अ लिटिल बिट एंड देन ही सेड ओके, मेरे अंकल हैं वो ऐसी स्कीमों में काम करते हैं। आई थॉट यू नो व्हाई डू पीपल इक्वेट दिस बिजनेस विद स्कीम्स। शुरू में बहुत चैलेंजेस थे हम लोगों को इस बिजनेस में, लोग ये बिजनेस मॉडल समझ नहीं पाते थे। एनीवे, आई मेट हिज अंकल, उसके अंकल जो थे उनको मैंने एक साल, आई हैड टू बिल्ड फ्रेंडशिप विद हिम, एक साल तो कुछ नहीं किया, करूंगा करूंगा करूंगा, बस वो अपनी डिंगे हाँकते रहते थे वो, दैट्स इट। एक साल बाद उन्होंने मुझे एक शराबी से मिलवाया, और वो शराबी जो था वो कह रहे थे कि इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है। वो जब मेरे पास आता था तो मैं दो कदम पीछे हट जाता था। वो शराबी के साथ मैंने 6-8 महीने काफी अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप करी, और 6-8 महीने बाद जाके उसने मेरे को एक डॉक्टर से मिलवाया, एंड दैट पर्सन इज डॉक्टर संजीव शर्मा, जो आज उनका बहुत बड़ा बिजनेस है और उस लेग में हमारे 3 एमराल्ड्स हैं अभी इस वक्त। और इस तरीके से मतलब आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, कैसे हमको और बाकी लेग्स मिले। बट आप एक कॉमन पॉइंट समझ गए ना आप लोग, कि यहां पर कुछ भी आपको एक तश्तरी पर रख के नहीं जाता, यू हैव टू ग्रैब योर अपॉर्चुनिटीज, यू हैव टू फाइट इट आउट फॉर इट। यू नो, आपको इंडिया में बहुत से लोग मिलेंगे, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर टू फॉलो द लीड्स। लोगों का, आई वुड से लोगों का, यू नो, लोगों को बच्चों की तरह आपको फॉलो अप करना पड़ता है। यू हैव टू बी लिटिल बिट पेशेंट, यू हैव टू फॉलो द लीड्स, यू हैव टू फॉल इन लव विद पीपल, यू हैव टू अलाउ योर सेल्फ टू रिस्पेक्ट पीपल। लोगों की कैसी भी बैकग्राउंड है, आपको कभी भी उनको वैसा नहीं देखना जैसे वो आपको दिखेंगे, आपको उन्हें वैसा देखना जैसे कि आप चाहते हो कि वो बन जाए। एंड इफ यू विजुअलाइज योर ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन लिटरली मैनिफेस्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन इन फ्रंट ऑफ यू। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट्स अ माइंड गेम, इट्स अ माइंड गेम। हमारे पास कुछ नहीं था जब हम इंडिया आए थे, मेरे सारे कॉन्टैक्ट IIT के, स्कूल के, सबके सब US में और वर्ल्ड में यहां वहां सेटल थे। हम लोगों ने पूरा बिजनेस जो था वो स्ट्रेंजर से बिल्ड किया। लोग हमारे को देख के शर्त लगाया करते थे कि यार मैंने 2 महीने देता हूं, मैंने 6 महीने देता हूं कि ये इंडिया छोड़ के वापस ले जाएंगे। हमारे डाउनलाइन हमसे पूछा करते थे कि आप इंडिया में रहोगे या चले जाओगे। हम उनको बोलते थे कि वी विल स्टे हियर एंड डू व्हाट एवर इट टेक्स, क्योंकि हम लोगों को इंडिया मार्केट में फेथ था। हम लोग USA में सुनकर रहकर बहुत सी कहानियां सुनते थे कि वो आदमी गया जापान में, वो पता नहीं क्या डबल क्राउन एम्बेसडर बन गया, कोई कोरिया गया और उसने पता नहीं कितने 100 डायमंड्स ब्रेक कर दिया, ये हो गया। हम लोगों को लगता था कि यार इतने मार्केट्स में ज्यादा के लोग इतने धूम मचाते हैं, इतिहास क्रिएट करते हैं, क्यों ना हम भी इंडिया में जाके इतिहास क्रिएट करें। उन्होंने हमको ये नहीं सुनना था कि USA में बैठ के कि इंडिया में ये हो गया हो गया। वी वॉन्टेड टू बी राइट इन द मिडल ऑफ इट एंड हमको इंडिया में बैठ के इतिहास बनाना था, दैट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और इसी करके हम लोगों ने डिसीजन लिया, हम लोग इंडिया आए। दोस्तों, इस बिजनेस में आई कैन टेल यू वन थिंग, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। अभी अर्नस्ट एंड यंग की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा था कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग मार्केट इज पॉइज्ड फॉर ग्रोथ बाय 2010। पीछे बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाई, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है साफ साफ कि इंडिया जो है वो 10,000 करोड़ का मार्केट होगा एमवे के लिए, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। पीछे प्राइस वाटर हाउस का एक बहुत अच्छा रिपोर्ट आया था ऑन द रिटेलिंग इंडस्ट्री, और उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ था कि डायरेक्ट सेलिंग विज़ एमवे इसका बहुत बड़ा फ्यूचर है। हमारे पास देने को बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन अगर आप समझदार हो और मानने को तैयार हो तो बहुत सारे नहीं, सिर्फ एक एग्जाम्पल काफी होना चाहिए आप लोगों के लिए। और वो एक एग्जाम्पल अगर आपने मान लिया, वो एक चीज आपने मान ली, तो आपकी लाइफ बदल सकती है। आप लोग आज यहां बैठे हुए हो, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, ये कोई चांस नहीं है, इट इज गॉड्स प्लान। आपको यहां होना था आज, आपको ये मैसेज सुनना था, आपको हमारी स्टोरी सुननी थी, और हमारी स्टोरी सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि एमवे बिजनेस में टिपिकल लोग डायमंड नहीं जाते हैं। जो लोग जाते हैं वो है तो बहुत ही साधारण, लेकिन हमें असाधारण चैलेंजेस से जूझना पड़ता है, आगे गुजरना पड़ता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू हैव टू हैव अ ड्रीम। अगर आपका ड्रीम है, सब कुछ अच्छा होगा, और इस बिजनेस में सपने सच होते हैं। दैट्स इट, ओके, वी लव यू गाइस वेरी मच, वी लव यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।